तुम लोग जो कह रहे हो तो हम बहुत पहले से सोच रहे हैं कि तालाब वाला अगर भर जाए तो ये गर्मियों में समस्या मतलब ऐसे कभी कोई बात हो जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डाल दे और अच्छी बात है। जो मौजूद है सुनते एक संगे रहे हो तो आदत पड़ेगी क्या? बताया जा रहा है आप जो लोग जो जानकारी ले रहे हैं उसके बाद जो है मेरा सभी से निवेदन है कि वोट डालने जरूर है। 29 अप्रैल को आपके यहाँ मतदान होगा, आपके क्षेत्र में मतदान होगा। आप सभी से मेरी कैसे प्रार्थना है कि वोट दो, सबसे पहले वोट दो, वोट डालने। प्राथमिकता सीजन के हिसाब से पहली प्राथमिकता है तालाब की, तालाब सीजन के हिसाब से पानी जो है 100% समस्या कह रहा हूँ। तालाब में कोई बात होगी, तालाब में पानी नहीं है, मशीन कितना ले आ रहा है तालाब में, कूड़ा लेवल सही रहेगा। दूसरा हमारे जितने ढीला के जानवर हैं और पशु पक्षी हैं उन्हें पानी पीने को मिली है, और भगवान न करे कि ऐसी दोबारा घटना हो अपने गाँव में। लेकिन अगर फिर कोई अग्निकांड जैसी घटना होते तो बात से बचाव हुई है। तो भाई उपलक्ष में एसडीएम साहब को एक निवेदन कर रहे हैं, ज्ञापन है, निवेदन है, प्रार्थना पत्र है हम लोग जो है दे रहे हैं आप सबकी तरफ से, और उसी के हम लोग आपसे जो है राय मशवरा ले रहे हो, साइन आपसे कर रहे हैं, स्वीकृति ले रहे हैं आप सभी लोग। जब जी बनाए सूख जाता बाटा लेवल मोहल्ले के हमारे के जो सब बोल रहे हैं समस्या, सबके सही समस्या है, नलों से पानी नहीं आता है, बाटा लेवल आसपास गांव के पूरों रहे अगर पानी पर्याप्त बस पच्चीस वगैरह यही तो है, यही समस्या इसी का निदान करने के लिए जो है रखा गया है। और हम लोग जो है आपका सभी सेवा सर्व सेवा समिति की तरफ से ये जो है प्रायोजित कार्यक्रम रखा गया है, इसको चला रहे हैं और गाँव में भ्रमण कर रहे हैं, सभी से जो है ये तालाब के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तालाब की जानकारी, सभी जल भराव की समस्या समाप्त, तालाबों में जल भराव। उसके बाद जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि 29 अप्रैल का विशेष ध्यान रखिए, कोई कहीं हो, कोई भी कहीं हो, ये चुनावी जंग जो है जो शुरुआत हुई है इसको समाप्त करने के लिए आपका वोट, आपकी उंगली यही आपकी समाप्त करते अपनी। अभी तक आप जो है गांव में एक दूसरे सबसे उंगली करते हैं, आज उसी उंगली का वक्त है, आज उस उंगली को पीछे, अभी तक आप जो है उंगली करते रहे, आज इस उंगली को पीछे मत रखिए, आज इस उंगली को आगे करिए और इस उंगली से बटन दबाइए, उंगली आपकी बात के जय श्रीराम, आपकी एक उंगली का महत्व आज है, इसकी बहुत बड़ी ताकत है, इसको आप कमजोर मत समझिए। एक उंगली जब 5 उंगली इकट्ठी हो जाती है तक मुट्ठी बन जाती है, लेकिन शुरुआत एक ही उंगली से होती है। मेरा सभी से निवेदन है कि 29 अप्रैल को भूलना नहीं, आपके क्षेत्र में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, पोलिंग बूथ पर जाएं, अपने साथ ये परिवार को ले जाएं जिनके वोट है वो जाएं, प्लस मोहल्ले पड़ोस में मोहल्ले पड़ोस वाले उन सबको प्रेरित करें, सबको जागरूक करें, सबको बताएं कि हमें जो है वोट अपने अपने वोट की कीमत समझें। ये प्रयागराज में एक महाकुंभ था, ये एक दूसरा महाकुंभ है, लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का महाकुंभ है, किस पे इस महाकुंभ में, इस महाकुंभ में बूथ रूपी जो है घाट पर जा करके अपने वोट का वोट रूपी डुबकी लगा करके इस महाकुंभ को सफल बनाना।